हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं छंद। तो छंद से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस बुकलेट में दिए गए हैं, उन सभी को यहाँ पर हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? यानी ऐसे छंद जिनमें वर्णों का और मात्राओं का ध्यान नहीं रखा जाता, उनको यहाँ पर मुक्तक छंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर दो, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो देखिए, दोहा और रोला के संयोग से जो छंद बनता है वो बनता है यहाँ पर कुंडलिया। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर तीन, अर्धसम्मात्रिक जाति का छंद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिये, अर्धसम्मात्रिक जाति का जो छंद हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोहा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिये, अर्धसम्मात्रिक छंद जो होते हैं वे और कौन कौन से होते हैं? देखिए, दोहा, बरवे, सोरठा, उल्लाला, ये जो है आपके सभी अर्धसम्मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर चार, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो देखिये, इनके यहाँ पर हमको मात्रा गिननी होगी। तो देखिए, मात्रा यहाँ पर गिन लीजिए, आपको गिनना आता होगा, आपने थ्योरी क्लास देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं इन क्लासेस के बाद आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, उसमें आपके ये सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, र के पास एक मात्रा है, फिर दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। तो देखिए, तेरह के बाद यहाँ पर यति आ गई है। ठीक है, ये कोमा जो लगता है इसको यति बोलते हैं। उसके बाद आगे फिर गिन लीजिएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ग्यारह। तो देखिए, तेरह और ग्यारह यहाँ पर मात्राएं आ रही है। तो तेरह और ग्यारह मात्राएं किस में होती है? दोहा जो छंद होता है उसमें होती है। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, दोहा। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर पाँच, घनाक्षरी छंद निम्नलिखित में से किस प्रकार का छंद है? तो देखिए, घनाक्षरी छंद जो है ये एक वार्णिक छंद है, और इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो घनाक्षरी छंद में 31 वर्ण होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर छः, चार चरणों में समान मात्रा वाले छंदों को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो देखिए, जिनके सभी चरणों में समान मात्राएं होती है, जिनके चारों चरणों में समान मात्राएं होती है, उनको यहाँ पर सममात्रिक छंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर सात, अवधि शिला का ऊपर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार, उपर्युक्त पंक्तियों में निम्न में से कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, इनके भी यहाँ पर मात्रा गिन लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो देखिए, होगी बारह, यहाँ पर इसके यति है, इसमें यति दी नहीं गई है, यहाँ पर एक कोमा लगा लीजिएगा पर के बाद। तो देखिए, ये तो होगी बारह। अब इसके आगे गिन लीजिए, दो तीन चार पाँच छः और एक सात, यति के बाद यहाँ पर आ गई सात। तो बारह और सात यहाँ पर किस छंद में मात्राएं होती है? तो बारह और सात होती है बरवे। तो देखिए, बारह से वैसे बरवे और वैसे ही बारह। ठीक है, इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं, बारह सात बरवे। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर आठ, मूक होई वाचाल पंगु, चढ़ी गिरीवर गहन, जसु कृपा सो दयाल दरवहु, सकल कलिमल दहन। तो देखिए, उपरी पंक्ति में यहाँ पर हमको छंद बताना है। तो देखिए, इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, आप इसको पहले थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। जैसे कि ये चढ़ी जो है, इसमें छोटी ई होनी चाहिए थी, ये बड़ी ई नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और एक इसमें जो यति है वो यहाँ पर वाचाल के बाद यहाँ पर यति है। ठीक है, ये भी इसमें नहीं दी गई है। ये जितने भी यहाँ पर नोट्स हैं इनमें ज़्यादातर मिसप्रिंट बहुत है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। तो चलिए अब इनके यहाँ पर मात्राएं गिन लेते हैं। तो देखिए, मूक में यहाँ पर कितनी मात्रा हो जाएगी? बड़ा ऊ की मात्रा की दो मात्राएं, और एक तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और एक ग्यारह। तो यहाँ तक तो हो गई ग्यारह। उसके बाद आगे गिन लीजिए, दो और एक तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, और यहाँ पर हो गई तेरह। तो देखिए, ग्यारह थी और तेरह हो गई, इसका मतलब यहाँ पर सोर उठा, यानी कि सोर उठा। तो सोर उठा इस पंक्तियों में यहाँ पर सोर उठा छंद है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सोर उठा छंद में ग्यारह और तेरह मात्राओं के बाद यति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर नौ, शिल्पगत आधार पर दोहा से उल्टा छंद निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो देखिए, दोहा का उल्टा जो होता है वो सोर उठा होता है। ठीक है, सोर उठा में यहाँ पर 11 और 13 मात्राएं होती है, और दोहा में यहाँ पर 13 और 11 मात्राएं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 10, निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली किस प्रकार के छंद का उदाहरण है?
देखिए, जूही की कली जो निराला जी की कविता है, इसमें जो है मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है, यानी इसमें कोई वर्णों का और मात्राओं का ध्यान नहीं रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो छंद शास्त्र के प्रणेता यहाँ पर पिंगल ऋषि है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, सही छंद का चयन कीजिए। जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक कईवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर हमको छंद बताना है। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन क्या है, ये जो होई है ये बड़ी ई नहीं होनी चाहिए थी, छोटी ई होनी चाहिए थी। तो अब यहाँ पर देखिए मात्राएं गिन लीजिए, दो मात्रा इसकी हो जाएगी, जो कि दो और एक तीन, चार पाँच छः और एक सात आठ नौ दस और एक 11। तो 11 मात्रा है, तो ये हो गई। उसके बाद आगे मात्रा गिन लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13, और ये 13 मात्रा यहाँ पर हो गई। यानी 11 मात्राएं तो शुरू के चरण में हो गई और यति के बाद 13 मात्राएं हो गई। तो 11 और 13 मात्राएं कहाँ पर होती है, सोरठा में होती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, वर्ण मात्रा गति यति आदि के नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? तो देखिए, वर्ण मात्रा गति यदि इन आदि सभी चीजों को नियंत्रण रख के जो रचनाएं की जाती है उनको यहाँ पर छंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? तो देखिए, छंद की प्रत्येक पंक्ति को यहाँ पर चरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13 13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11 11 मात्राएं होती है, वह छंद क्या कहलाता है? तो देखिए, जिन छंदों के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है उसको यहाँ पर दोहा छंद कहा जाता है। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि चार लाइन दी गई है, पहली लाइन यहाँ पर लिख दी, फिर यहाँ पर यति लगा दी, फिर दूसरी लाइन यहाँ पर लिख दी, फिर यहाँ पर आप तीसरी लाइन यहाँ लिखेंगे और यति लगा देंगे, और चौथी लाइन यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? तो देखिए, ये जो शुरू की मात्रा है ये पहली लाइन होगी, यानी कि पहला चरण हो गया, और ये दूसरा चरण हो गया, और ये तीसरा चरण, और ये चौथा चरण। तो विषम चरण कौन कौन से है? देखिए, एक जो होता है वो विषम होता है एक, और ये तीसरा है ये भी विषम चरण होता है, यानी कि ये दोनों यहाँ पर विषम चरण होते हैं, और दो और चार ये सम संख्या है, तो यहाँ पर ये दोनों सम चरण होते हैं। तो ये विषम चरणों में यहाँ पर 13 13 मात्राएं होती है, यानी कि यहाँ भी 13 मात्रा होगी और यहाँ भी 13 मात्राएं होगी, और यहाँ पर 11 मात्राएं होगी सम चरण में, और यहाँ पर 11 मात्रा इस सम चरण में होगी। तो इस तरीके से इनको यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में यहाँ पर 11 मात्राएं होती है, उसको यहाँ पर दोहा कहा जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, 24 24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं? तो देखिए, 24 मात्राएं किस पंक्ति में होते हैं? रोला में जो होते हैं 24 मात्राएं होते हैं, लेकिन इसने 24 24 यहाँ पर दो बार प्रयोग कर दिया है, तो यानी कि दो दो पंक्ति यहाँ पर लिखी होगी जो कि दोनों की दोनों रोला की होगी। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोला जो है इसकी प्रत्येक पंक्ति में यहाँ पर 24 24 मात्राएं होती है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो देखिए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, छंद के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, छंद के जो भेद होते हैं वो तीन होते हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद, ये तीन भेद होते हैं। तो इस प्रश्न में यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए गए हैं, इसके तीन ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या कितनी है? तो देखिए, गणों की जो संख्या है वो 8 हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अभी ये गण क्या होते हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, यगण मगण तगण जो होते हैं ये सभी आपके गण होते हैं, और इनकी टोटल संख्या 8 होती है, ठीक है? और प्रत्येक गण में यहाँ पर तीन वर्ण होते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? तो देखिए, मात्रिक विषम संयुक्त छंद जो है आपका वो कुंडलीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, ये जो कुंडलिया छंद होता है इसमें दोहा और रोला इन दोनों का यहाँ पर संयोजन हुआ रहता है, ये दोनों संयुक्त रूप से मिले हुए रहते हैं। और देखिए, इसकी एक खास बात और है, कुंडलिया छंद जिस शब्द से शुरू होगा वो खत्म भी उसी शब्द पर होगा, ये भी इसकी एक पहचान होती है, ठीक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? तो देखिए, मात्रिक छंद यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो मात्रिक छंद यहाँ पर दोहा भी होता है, चौपाई भी होता है, रोला भी होता है, वो बात अलग है कि ये सममात्रिक है या अर्धमात्रिक है।
तो सभी चाहे सर्वमात्रिक हो या अर्धमात्रिक हो है तो सभी मात्रिक छंद ही, यानी इनमें मात्राओं की तो गिनती होती है तो इसलिए तीनों यहाँ पर मात्रिक छंद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, दामिनी दमक रही धनमाही खल के प्रति जया धीर नाही, तो उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये जो दामिनी पे बड़ी की मात्रा है ये यहाँ पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी, ठीक है इसको यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसके यहाँ पर मात्राएं गिन लेते हैं। तो देखिए मात्रा में यहाँ पर देखिए 2 और 1 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए प्रत्येक पंक्ति में यहाँ पर 16 16 मात्राएं यहाँ पर आपको मिल जाएगी, अगली पंक्ति पढ़ेगी तो उसमें भी आपको यहाँ पर 16 मात्राएं मिल जाएगी। तो प्रत्येक चरण में जब 16 16 मात्राएं होती है तो वहां पर चौपाई छंद होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो दोहा के प्रथम चरण में यहाँ पर 13 मात्राएं होती है, ठीक है प्रथम और तीसरे चरण में इसके 13 13 मात्राएं होती है, जिनको विषम चरण भी बोला जाता है, और सम चरणों में दोहा के 11 11 मात्राएं होती है, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, निम्न पंक्ति में छंद है। तो देखिए जानी सोरी अनुकूल सिया हे हरसु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फकरकन लागे। तो देखिए इसमें यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, इनके हर एक प्रश्नों में यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो देखिए जो शोरी है ये शोरी तो नहीं है, ये सबसे पहले तो ये गोरी है, तो देखिए गोरी ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर, और चलिए शोरी भी अगर होता तो इसको ऐसे लिखना था, छोटी की मात्रा आनी चाहिए थी रे पे, लेकिन यहाँ पर बड़ी की मात्रा दी गई है, ठीक है। तो अब इसके यहाँ पर देखिए गिन लेते हैं इसकी मात्राएं है। तो देखिए 2 और 1 3 4 5 और 1 6 7 8 9 10 और 1 11, यानी जहाँ पर यति है यहाँ तक तो हो गई 11 मात्राएं। उसके बाद आगे फिर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, और यहाँ पर हो गई 13। और 11 और 13 मात्राएं कहाँ पर होती है, यानी विषम चरणों में यहाँ पर 11 11 मात्राएं और सम चरणों में यहाँ पर 13 13 मात्राएं होती है। तो किस में होती है, सोरठा में, ठीक है यानी कि 11 देने थे मिल गए 13, यानी कि सोर उठा, ठीक है इसलिए कहते हैं ना सोर उठा। तो 11 और 13 पर यति है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोरठा छंद इसे पंक्तियों में यहाँ पर उपस्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है। तो देखिए जिन पंक्तियों को यहाँ पर लिखा जाता है, जो पंक्ति जिस शब्द से शुरू होगी उसी शब्द पर वह खत्म होगी, तो जिस शब्द पर कोई पंक्ति शुरू होती है और जिस शब्द पर वो पूरा का पूरा छंद खत्म होता है वहां पर कुंडलिया छंद होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो देखिए इसके आगे ऑप्शन लिखे गए हैं। तो देखिए ये यहाँ पर पंक्ति लिखी गया है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसमें यहाँ पर हमको कितनी मात्राएं यहाँ पर प्रयोग हुई है ये बताना है। तो देखिए मात्राएं इनकी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए यहाँ पर पहले चरण में तो यहाँ पर 15 मात्राएं हैं, ठीक है उसके बाद यहाँ पर आगे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस अगले चरण में यहाँ पर 13 मात्राएं हैं। और उसके बाद इस निचले वाली लाइन को गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, और इसमें यहाँ पर आपकी 28 मात्राएं हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 मात्राएं 13 मात्राएं और 28 मात्राएं किस ऑप्शन में दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दी गई है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो देखिए एक छंद में जो चरण होते हैं वो चार चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो देखिए जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं उसको यहाँ पर सममात्रिक छंद कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सममात्रिक छंद।